हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत करता हूं सोबटिका सर्बिया में। आज है संडे का दिन और आज है रक्षाबंधन इंडिया में, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। यहां पे तो लोग ही नहीं दिख रहे भाई, एकदम खाली खाली है। एक के दुख के लोग दिख रहे हैं, मुझे लोगों से ज़्यादा तो यहां पे गाड़ियां दिख रही हैं, लोग तो हैं ही नहीं भाई। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, फिर भी लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। 1 लाख की पॉपुलेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, सारे घर पे दुबके पड़े हैं। मुझे तो कार ज़्यादा दिखाई पड़ा है, आदमी तो मुझे दिखाई नहीं पड़ा। तो अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ। बस स्टॉप से मुझे पकड़ना है बस नंबर 6, जो मुझे लेके जाएगा पैलेस लेक तक। बस स्टॉप पे तो पहुंच गया हूं, यहीं पे खड़ा हूं, वेट करता हूं कि मेरी 6 नंबर की बस कैसे है। रोड भी खाली खाली है भाई, और क्या घर है भाई, ये देखो, ये लग रहे नहीं खपरेल के घर जैसे होते हैं ना हमारे, उस तरह के लग रहे हैं। और क्या ब्यूटीफुल घर बना हुआ देखो आप भाई। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, लोगों का पता नहीं है, जो लोग हैं ना वो गाड़ियों में ही दिख रहे हैं। अरे देखो एकदम खाली है, इधर भी लोग नहीं है, जो आ रहे हैं वो गाड़ी में हैं, और इधर भी लोग एकदम खाली है। यहीं पे देखता हूँ 6 नंबर की बस। अरे यहाँ पे बोर्ड तो चल रहा है पर 16 और 3 नंबर का दिखा रहा है। 6 नंबर 12 मिनट में आने वाली है, तो वेट करता हूँ 6 मिनट और 12 मिनट, नंबर 6 आएगी, फिर चलेंगे लेक पैलेस। तो भाई बस से उतर गए हैं, और जो बस का किराया लगा वो लगा 100 दिनार, इंडियन में आप मान लो 75 रुपए। क्या सॉलिड घर बना हुआ भाई, पर इसके आगे बोर्ड लगा हुआ है टू बी सेल्ड, तो अगर आपको ख़रीदना हो तो आप ये ख़रीद सकते हो। क्या औसम घर है भाई, ये तो गांव में आ गए हैं, पूरा गांव वाली फीलिंग आ रही है। लोग नहीं है भाई, एक चीज़ तो मैंने देखा है यहाँ पे, लोग नहीं है। अच्छा बागवानी करी हुई है घर पे। ये मैडम साइकिल से घूम रही है। भाई ये रेल का ट्रैक था यार, ये गायब हो गया। ये देखो रेल का ट्रैक था, इतना ही बचा हुआ, बाकी उधर गायब, इधर भी गायब। लो भाई पहुंच गए हैं पैलेस लेक,
बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई। इधर गार्डन है और इस साइड में है लेक। साइड साइड में बेंच लगे हुए हैं बैठने के लिए, छोटे छोटे खूबसूरत से पेड़ हैं और इधर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है साइड साइड में। ऑसम, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। क्लीन, ये तो पार्क कैसा लग रहा है ना, बहुत ही ज़बरदस्त वाला पार्क लग रहा है कि यहाँ पे लोग आते हैं बैठ के आराम से चिल करते हैं और साफ सुथरे का भी ध्यान रखा जाता है भाई। ये देखो इधर जगह जगह पे डस्टबिन है, यहाँ पे भी हर कदम पे दो चार कदम पे यहाँ पे डस्टबिन बना हुआ है, मतलब औसम आप बोल सकते हो। ये एक फाउंटेन के पास पहुँच गए हैं, बत्तख के मुंह से पानी निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, इसका पानी ख़त्म ही हो गया है, हल्का हल्का निकल रहा है। और ये मछली है भाई। लोग बीच में बोटिंग भी कर रहे हैं, पानी गंदा है यार, पूरा ग्रीन हो गया है, शायद पानी कहीं पे निकलता नहीं होगा इस कारण से ये गंदा हो गया। पर लेक इतना सुंदर है ना, जबरदस्त वाला सीन है यहाँ पे भाई। ये जो मेन सोबर्टिका सिटी है उससे ये लगभग 7 किलोमीटर में है, तो जैसे मैं बस से आया बस नंबर 6, आप बस नंबर 6 से आ सकते हो। क्या औसम जगह है आज, धूप बहुत कड़क है तो इसीलिए चश्मा लगाना पड़ा है भाई, नहीं तो देखने में दिक्कत होगी। औसम है भाई, औसम। मैडम ये फ़ोटो खिंचाने में व्यस्त है भाई। पॉपुलेशन नहीं है यार, एकदम लिमिटेड पॉपुलेशन है, लोग उतने हैं ही नहीं यहाँ पे, क्राउड भी इतना नहीं है। ये एक मोस्ट ऑफ द वन टूरिस्टिक प्लेस है यहाँ पे सोबर्टिका में, बट आप देखो भीड़, कुछ ही लोग आए हुए हैं और संडे का दिन भी है, फिर भी देखो आप लोग कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं देख पा रहा हूँ इस जो लेक है, एक दो, मुझे दो बोट दिख रहा है, दो बोट के अलावा और कोई भी बोट मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एक इधर छोटी सी शिप खड़ी हुई है, इधर का पानी कैसा है देखते हैं। भाई गंदा पानी है, जैसे पानी वाटर, जैसे कोई पानी कहीं से निकलता नहीं है ना तो ग्रीन ग्रीन हो जाता है ना, उस तरह हो गया है। और अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जो मेरे अब पीछे है, पैलेस। ये आप देखो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में पैलेस लिखा हुआ। अभी ये फ़ोटो खिंचाने में व्यस्त है तो सामने जाना सही नहीं है, जब ये फ़ोटो खिंचा लेंगे उसके बाद फिर सामने से दिखाता हूँ आपको ये पैलेस। इधर एक छोर बना हुआ है, इधर देखते हैं क्या है। यहाँ पे रात में भी अच्छा लगता होगा क्योंकि हर जगह पे स्ट्रीट लाइट है। अब देखो साइड साइड में पूरे स्ट्रीट लाइट है, यहाँ पे भी आप देखो स्ट्रीट लाइट है। ये कौन सा पौधा है भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा पौधा है। ये एक छोर पे आ गए हैं, सर्बियन में लिखा हुआ भाई, नहीं समझ में आ रहा है। ये हम लोग लास्ट में आ गए हैं, ये आप देखो यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी है। अभी तो बहुत गर्मी है, अगर गर्मी ना हो तो आप यहाँ से बैठ के आराम से लेक का मज़ा ले सकते हैं। बोट करते हुए लोग पार होंगे, जो पंछियाँ तैर रही होगी, औसम नज़ारा आएगा भाई यहाँ से।
यहाँ पे बैठ के आप आराम से मज़ा ले सकते हो, व्यू का, सनसेट का मज़ा ले सकते हो। सही है भाई, एक बोट इधर खड़ी हुई है। बहुत ही सुंदर जगह है यार, और ये रहा इधर लेक, और इधर खेलने के लिए भी अच्छी जगह है, झूला है, सीसॉ है, क्लाइंब करने के लिए है, मतलब फुल एंटरटेनमेंट है बच्चों के लिए, बड़े भी कर सकते हैं यार। जैसे अगर मान लो झूला झूलना है, ये रहा झूला, तो अगर झूला झूलना है एक बार देखिए झूला झूल के हमारा वो बाहर ले सकता है कि नहीं ले सकता है। अरे वाह, सही मज़ा है, झूले का भी मज़ा ले सकते हो, बहुत सारे झूले हैं, सीसॉ भी है, ये एकदम छोटे बच्चों के लिए है। यहाँ पे बैठा के पैर निकाल दो इधर, और भाई बच्चे खूब मस्ती करेंगे। और ये सीसॉ, और ये ऊपर से जाओ नीचे उतरो, तब सॉलिड बना हुआ, बच्चों के खेलने के लिए अच्छी जगह है, बच्चे खूब मज़े करेंगे यहाँ पे। अगर इस जगह पे आते हो तो नाम है पैलेस लेक। How much? 2 dinara. 100? Yes. Okay. Koala. पीछे जो आप मेरी पीछे एक दुकान देख रहे हो ना, इस दुकान से मैंने एक फैंटा लिया 100 दिनार का, जो लगभग 70-75 रुपये आप मान लो। अच्छी जगह बनी हुई है, इधर पार्किंग है, कार की पार्किंग है। और ये क्या है भाई, पीछे से तो अजब लग रहा है, ये कुछ स्टैचू है यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है। मुझे नहीं आइडिया कि भाई ये क्या है। अच्छा सा जगह है पर लोग बहुत ही कम हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो भाई इस पार्क में ऐसे लेट भी सकते हो, और लेटने के साथ साथ आप फैंटा भी पी सकते हो। तो ये रहा कुछ आसपास का नज़ारा, सही है ना भाई लोगों। मैं एक नीम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ हूँ, बेंच तो बहुत लगी हुई है, पर मुझे घास पे बैठने का मन किया, लेटने का मन किया, तो क्यों ना इसको भी ट्राई किया जाए। तो ये आप इस लेक पे आते हो तो ये भी ट्राई कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है।